हुआ क्या कि मैं सोता ही रह गया, इतना ज़्यादा थक गया था। तो कोशिश करते हैं इस टाइम दर्शन करने की, नहीं तो मॉर्निंग में करेंगे महाकाल के दर्शन। तो ट्राई करते हैं अगर अभी हो जाए तो। सेम रास्ता जो सुबह दिखाया था मैंने आपको मंदिर जाने के लिए, यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर पे मंदिर है। तो मैं वो फुटेजेस ऐड करूँगा कि किस तरीके की हमारी पूजा हुई पूरा दिन। और चेहरा बिल्कुल थका हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि ट्रेन में हम सो नहीं पाए थे बिल्कुल भी। वो सौभाग्य हमें अब मिला नींद पूरी करने का। तो अगर इस टाइम पे दर्शन कर लेते हैं ना तो मैं फिर कल बाकी मंदिरों में जा सकता हूँ। हाँ, जो आसपास 10-20 किलोमीटर में हैं जितने भी, वहाँ जा सकता हूँ। बट अब आए हैं, भोले बाबा बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे, इसमें तो कोई वो दो राय है नहीं। हाँ, मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे दर्शन हो जाएं फटाफट, लग तो रहा है हो जाएंगे। बाहर बारिश भी हो गई है। ओ फाइनली मेरे दर्शन हो गए। ऐसा लग रहा है बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना खुले दर्शन, मतलब सारी इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाना, तो बिल्कुल वो वाली फीलिंग है। मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, इतने प्यारे दर्शन होंगे, बिल्कुल आनंदमय तरीके से, मतलब बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसे दर्शन होंगे इतने बढ़िया। ये बिल्कुल मंदिर के अंदर खड़े भव्य भव्य बिल्कुल भव्य, बिल्कुल बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। इतनी इतनी तीन तीन चार चार घंटे लग रहे थे लोगों को, मुझे हार्डली 5 मिनट लग रहे थे। 5 मिनट में दर्शन हो रहे हैं। सच में मैं अपने आप को आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या किस्मत है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ किस्मत खराब है, नहीं, क्या किस्मत है। मतलब इतना मज़ा आया है ये वाले दर्शन करके, मतलब मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। रौनक देख रहे हो, मतलब चेहरा कैसा मेरा अभी थोड़ी देर पहले बुझा हुआ था और एकदम से मानो कि मतलब भोले बाबा ने सब कुछ एक साथ दे दिया हो। मतलब पूछ लेना बहुत जरूरी है।